तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात हो रही है मुन्ना के बारे में। मुन्ना एक फिफ्थ क्लास का बच्चा था जो गवर्नमेंट स्कूल खम्बेलपुर के अंदर, जो गवर्नमेंट स्कूल था उसके अंदर पढ़ा करता था। उसकी जो स्कूल की फीस थी वो 4 रुपये थी और उस दिन उसके माँ बाप ने उसे वो फीस देकर उसको स्कूल भेजा था। लेकिन जब वो स्कूल पहुँचता है तब वो ये देखता है कि कोई भी टीचर जो फीस लेने वाले थे वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जो फीस लिया करते थे उन टीचर का नाम था मास्टर गुलाम मोहम्मद और वो उस दिन छुट्टी पर थे, तो वो इस वजह से अपनी फीस नहीं दे पाता। लेकिन जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तब वो वापस अपने घर पर आ रहा होता है। जिस रास्ते से वो घर पर वापस आ रहा होता है उसे रास्ते में दिखती हैं जलेबियाँ। उन जलेबियों को देखकर मुन्ना का तो मन चलने लग जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड हो जाता है, मतलब उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और वो उन जलेबियों को देखकर ये सोचने लगता है कि क्या मैं इन जलेबियों को खरीद लूँ। तभी अचानक उसे अपने जेब से सिक्कों की आवाज़ सुनाई देने लगती है और उसे ये सुनाई देता है कि वो सिक्के बोल रहे हैं। वैसे तो सिक्के बात नहीं करते लेकिन ये सब शायद मुन्ना की इमेजिनेशन थी। और वो सिक्के उसको ये बोल रहे थे कि क्या सोच रहे हो तुम। उसमें से जो 1 रुपए का सिक्का था वो उसको ये बोलता है कि क्या सोच रहे हो तुम जलेबी क्यों नहीं ले लेते, कितनी फ्रेश है, कितनी हॉट है और कितनी टेस्टी है। और तुम्हें पता है कि जलेबियां खाने के लिए ही बनी है। मुन्ना ये सारी चीजें सुन तो लेता है लेकिन उसको ये लगता है कि ये जो पैसा मेरी जेब के अंदर है ये जलेबियां खाने के लिए नहीं है और ना ही ऐसे वैसे खर्च करने के लिए है। ये पैसा तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे स्कूल की फीस के लिए दिया है। अब मुन्ना इस एडवाइस को फॉलो तो नहीं करता लेकिन फिर भी उन सिक्कों का आवाज आती रहती है उसे। और उसको ये भी फील होता है कि अगर मैंने इन सिक्कों की बात सुन ली और इनकी बात मान ली तो मैं कैसे अपने घर वालों को और भगवान को मुंह दिखाऊंगा और मेरे टीचर्स क्या बोलेंगे। ये सारी बातें मुन्ना के दिमाग में बार बार घूम रही होती हैं। लेकिन फिर वो ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपने घर पर चलता हूँ। अगर मैं बाजार से इन पैसों से कोई भी चीज़ खरीदता हूँ तो ये बहुत बड़ा पाप होगा और जो मास्टर गुलाम मोहम्मद हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो इस वजह से उसको ये डर लगता है कि मैं वैसे भी बहुत अच्छे परिवार से हूँ और अगर गलती से मेरे को किसी ने ऐसे खड़े होकर जलेबियाँ खाते हुए देख भी लिया बाजार के अंदर तो लोग क्या सोचेंगे। लोग ये सोचेंगे अरे ये तो इतना अच्छा बच्चा था और इतने अच्छे घर में रहता है लेकिन फिर भी देखो कैसे मार्केट में खड़े होकर जलेबियाँ खा रहा है, क्या इसके घर वाले इसको खाने के लिए कुछ नहीं देते। तो इन सब बातों को सोचते हुए मुन्ना घर की तरफ चलने लगता है। तभी जो पैसे थे उन्हें ये सारी बातें, जो रुपीस थे उन्हें ये सारी बातें पसंद नहीं आती और वो सब अचानक से एक साथ बोलने लगते हैं। वो इतनी तेज तेज शोर मचाते हैं कि जो आसपास वाले लोग होते हैं वो भी मुन्ना की तरफ घूरने लगते हैं। तो मुन्ना उनको चुप कराने के लिए अपने हाथ में जोर से पकड़ लेता है। तभी उनमें से जो सबसे ओल्डेस्ट रुपया था वो मुन्ना को बोलता है, मैं जो भी बोल रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ मुन्ना, तुम्हें क्या ये नहीं पता कि पैसे तो खर्च करने के लिए बने हैं और क्या तुम्हें ये जलेबियाँ पसंद नहीं हैं, देखो कितनी टेस्टी जलेबियाँ हैं और वैसे भी अगले दिन जब तुम स्कूल जाओगे तो तुम्हें स्कॉलरशिप तो मिल ही जाएगी, तो फिर किस बात की चिंता कर रहे हो मुन्ना। मुन्ना ये सारी चीज़ें सोचता रहता है और वो फिर भी नहीं खरीदता जलेबी और अपने घर पर पहुंच जाता है। लेकिन मुन्ना जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जलेबियों के ख्याल और मुंह में पानी आता रहता है जलेबियों के लिए। तो वो फटाफट बिना चप्पल पहने और बिना शूज पहने मार्केट की तरफ भागने लगता है। मार्केट में वो हलवाई की दुकान पर पहुंचता है और बोलता है, अरे भैया जरा 1 रुपए की
जलेबी दे दो। अब ये बात हो रही है बहुत पुराने जमाने की, तब एक रुपए की भी बहुत सारी जलेबियां आ जाया करती थी, तो इस वजह से मुन्ना सिर्फ एक रुपए में बहुत सारी जलेबियां ले लेता है। उन जलेबियों को जो हलवाई होता है वो न्यूज़पेपर पर डाल देता है और मुन्ना को दे देता है। मुन्ना उन जलेबियों को लेके भागकर एक गली के कोने में बैठकर खाने लगता है टेस्ट से। मुन्ना जहां पर खड़े होकर जलेबी खा रहा था वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आ गए। वो जो बच्चे थे काफी गरीब थे, तो मुन्ना को उन्हें देखकर दया आ गई और उन सबको जलेबियां बांटने लगा। देखते ही देखते वो छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे और आते गए। मुन्ना उन सबको जलेबियां देते गया। अब मुन्ना की जलेबी खत्म होते ही वो दोबारा हलवाई के पास गया और उससे बोलता है, भैया जरा एक रुपए की जलेबी और दे दो। अब जो वो छोटे छोटे बच्चे थे वो अपने दोस्तों को भी बुलाने चले गए कि आ जाओ जल्दी आ जाओ, जलेबियां मिल रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गरीब बच्चे इकट्ठे हो गए और मुन्ना उन सबको जलेबियां डिस्ट्रीब्यूट करने लगा। देखते ही देखते बहुत सारे बैगर्स गरीब लोग भी आ गए वहां पर। मुन्ना बहुत ज्यादा खुश था ये देखकर कि लोग कितने खुश हो रहे हैं जब वो उन्हें जलेबियां दे रहा है। वो जितने भी लोग थे वो मुन्ना के लिए उस टाइम पर कुछ भी कर सकते थे। तो मुन्ना डिसाइड करता है कि अब जो मेरे पास 2 रुपए बचे हैं मैं इनकी भी जलेबियां लेके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। मुन्ना उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है 2 रुपए की जलेबी लेकर। अब मुन्ना सारे काम कर अपने घर पर वापस लौटता है। घर पर आता है तो उसको एक बहुत बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती है, वो थी डाइजेस्टिंग द जलेबीज। उसको जलेबियां पच नहीं रही थी, उसने इतनी सारी जलेबियां खा ली थी कि हर बार जब वो सांस लिया करता था तो करके डकार निकल जाया करती थी। डकार को बोलते हैं हम लोग बर्फ, तो वो बर्फ करा करता था हर ब्रीथ पर और बहुत जोर जोर से डकारे लिया करता था। और उसको ऐसा लगता था मान लो कि कोई जलेबी ही उसके मुंह से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि उसने इतनी सारी जलेबियां खाई थी। अब बेचारे मुन्ना को डिनर भी खाना था, इतनी सारी जलेबियां खाकर अब डिनर वो कैसे ही खा पाता, लेकिन बेचारे को जैसे तैसे कर डिनर खाना ही पड़ा। अगर वो डिनर नहीं खाता और कोई बहाना बनाता कि मम्मी मेरी तबीयत खराब है, पापा मेरी तबीयत खराब है, मेरे से डिनर नहीं खाया जा रहा, तो शायद उसके पेरेंट्स डॉक्टर को बुला लेते। और अगर वो डिनर खाने से मना कर देता कि नहीं मेरे को भूख नहीं है, मेरे को डिनर नहीं खाना, तो उसके पेरेंट्स को उसके ऊपर शक हो जाता। तो इस वजह से बेचारे मुन्ना को डिनर भी खाना पड़ा। अब इतना सब खाने के बाद मुन्ना को तो ऐसी नींद आई मान लो जैसे उसने अपने सारे घोड़े ही बेच दिए हों। बहुत मजे से मुन्ना उस रात को सोया और एक जलेबी की तरह ही कॉइल्ड अप हो गया था, मतलब एक जलेबी की तरह ही गोल गोल घूम के सो रहा था वो। अब क्या होता है अगले दिन जब मुन्ना उठता है तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, उसको जलेबियां भी डाइजेस्ट हो चुकी होती हैं। वो पहुंचता है स्कूल। जब वो स्कूल के अंदर पहुंचता है तब उसके टीचर अनाउंस कर देते हैं, हाँ मैं हूं मास्टर गुलाम मोहम्मद, और बच्चों इस महीने की जो स्कॉलरशिप है वो अगले महीने मिलेगी सब बच्चों को। जितने भी बच्चे फीस पे करना चाहते हैं वो मेरे पास फीस लंच में जमा कर सकते हैं। मुन्ना ये बात सुनते ही घबरा जाता है, क्योंकि उसने तो फीस के पैसे जलेबी खाने में खर्च कर दिए थे ये सोचकर कि उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही रिसेस की बेल बजती है, जैसे ही लंच टाइम होता है, मुन्ना स्कूल छोड़कर भाग लेता है। जब वो रास्ते में वापस जा रहा होता है तो उसको एक चीज बार बार ध्यान आती है, वो थे भगवान। वो भगवान से प्रे करता है, भगवान कैसे भी करके 4 रुपीज अरेंज कर दो, मेरी जिंदगी बच जाएगी। वो ये सारी चीजें सोचते सोचते खंबेल पुल रेलवे स्टेशन के पास पहुंचता है,
तभी उसको अपने माँ बाप की दो बातें ध्यान आती हैं जो उन्होंने उसको सिखाई हुई होती हैं बचपन से, कि कभी भी बेटा रेलवे स्टेशन को अकेले क्रॉस मत करना, और दूसरी बात कभी भी स्वीट्स यानी कि मिठाई मत खा लेना फीस से। ये सारी चीजें मुन्ना को ध्यान आने लगती हैं। एक जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो ये थी कि मुन्ना कभी स्कूल से एब्सेंट नहीं हुआ करता था, और ऐसा पहली बार हुआ था कि क्लास के बीच में मुन्ना एब्सेंट था। ये जो मुन्ना था उसकी बेचारे की इतनी कोई गलती थी भी नहीं, उसको क्या पता था कि जो उसके टीचर हैं वो स्कॉलरशिप को अगले मंथ पर एक्सटेंड कर देंगे। अगर उसको ऐसा पता होता तो मुन्ना शायद जलेबियां खरीदता भी नहीं, और ना ही वो उन जलेबियों को गरीबों के अंदर बांटता। ये सारी चीज़ें मुन्ना के दिमाग के अंदर भी चल रही होती हैं, और मुन्ना ये सोचता है कि वो जो जलेबियां हैं वो मैंने ही नहीं और भी तो लोगों ने खाई थी मेरे साथ। और उसको ये सारी चीज़ें सोचते सोचते रोना आने लगता है। वो ये सोचता है कि अब मैंने फीस नहीं दी तो टीचर तो मेरे को छड़ियों से मारेंगे। तो केन का मतलब होता है छड़ी, चैप्टर के अंदर लिखा है, तो केन हम लोग छड़ी को बोलते हैं। तो मुन्ना यही चीज़ याद कर रहा है कि अगर मैंने फीस नहीं दी तो टीचर मेरे को छड़ियों से मारेंगे, और वो आंखें बंद करके दोबारा भगवान से प्रे करने लगता है। वो भगवान से प्रे करते करते बोलता है, हे भगवान मेरी हेल्प कर दो, मैंने तो यहाँ तक कि कुरान भी मेमोराइज कर रखी है और नमाज भी मेमोराइज करके रखी है। हे भगवान जो कुरान के 10 सूरत्स हैं मैंने उनको भी पढ़ा है और मैं उनको दिल से मानता भी हूँ। ये आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे गीता या रामायण होती है, इसी तरीके से जो मुस्लिम लोग होते हैं वो कुरान पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। वो ये सारी चीज़ें बताता है कि कैसे कैसे उसको सारी चीज़ें भगवान के रिलेटेड याद हैं, और उसको बहुत ज़्यादा उस स्कूल की फीस की ज़रूरत थी। और वो ये भी बोलता है कि हाँ हाँ मेरे से गलती तो हुई ही है भगवान, लेकिन भगवान प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो ना, आखिर मैंने ही अकेले थोड़ा ना वो जलेबियाँ खाई हैं, मैंने तो बहुत सारे बच्चों को भी खिलाई हैं। और वो भगवान से ये बोलता है कि सिर्फ 4 रुपये मेरे बैग के अंदर डाल दो भगवान, तुम्हारे पास तो इतना सारा पैसा है, तुम्हारे पास पैसे की क्या कमी है, मैं सिर्फ 4 रुपये ही तो मांग रहा हूँ तुमसे। तो वो भगवान से ये सारी चीज़ें प्रे कर रहा होता है। वो प्रे करने के बाद ऑफर करता है नमाज, तो नमाज वो ऑफर करता है, और जो 10 सूरत्स होते हैं, जो 10 सूरत्स होते हैं कुरान के, उन्हें भी वो रिसाइट करता है, मतलब बोलता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद वो अपने बैग के ऊपर बोलता है देखकर बैग को, छू। तब भी जब वो बैग को खोल के देखता है छू बोलने के बाद, फिर भी उसे बैग के अंदर 4 पैसे नहीं मिलते। अब तो उसे रोना ही आ जाता है, वो सोचता है मैं जोर जोर से रो ही लूँ, और वो बहुत ज़्यादा थका भी हुआ होता है। वो ये सोचता है हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, और वो वहाँ से उठता है और बाजार की तरफ जाने लगता है। वो वेट करता है स्कूल की बेल का रिंग होने का, क्योंकि जब और बच्चे अपने अपने घरों में आएंगे स्कूल से, तभी वो उन बच्चों के साथ अपने घर पर जाएगा। अगर वो और बच्चों से पहले घर पर चले जाता तो उसके पेरेंट्स को शक भी हो सकता था, तो इस वजह से वो सब बच्चों का वेट करता है। और जब सब बच्चे स्कूल से निकलते हैं तब वो उन्हीं के साथ अपने घर की तरफ चले जाता है। अगले दिन वो जब स्कूल के लिए रेडी होकर निकलता है तो वो वापस स्कूल ना जाकर भगवान से प्रे ही करने लगता है। भगवान से उसी जगह पर जाकर वो प्रे करता है और भगवान को बोलता है, हे भगवान चलो हम दोनों एक साथ एक गेम खेलते हैं, मैं उस सिग्नल तक जाऊंगा और तुम सीक्रेटली एक बड़े से पत्थर की तरफ, वो पॉइंट करके बोलता है, ये जो बड़ा सा पत्थर है इसके नीचे 4 रुपये रख देना बस, मैं उस सिग्नल को छू के आता हूँ, जब तक आप उस पत्थर के नीचे 4 रुपये रख देना। तो वो ये सोचकर उस सिग्नल को छूने के लिए जाता है, और वो बहुत ही होपफुली, मतलब बहुत ज़्यादा होप करता है कि उसको 4 रुपये मिल ही जाएंगे सिग्नल के पत्थर के नीचे।
वो जैसे ही वापस आता है सिग्नल को छूकर, वो बोलता है बिस्मिल्ला और पत्थर को उठाता है, तो वहाँ पर पैसे वैसे तो नहीं होते, एक बहुत बड़ा सा कीड़ा होता है। उस कीड़े को देखकर वो और ज़्यादा डर जाता है और वो दूर भागने लगता है। वो फिर दोबारा सिग्नल को छूने के लिए जाता है और सोचता है कि हे भगवान, अब प्लीज़ अब की बारी रख देना। और वो दोबारा उस पत्थर को आके उठाता है, लेकिन फिर भी उस पत्थर के नीचे कुछ भी नहीं मिलता उस कीड़े के अलावा। अब अगले दिन वो फिर दोबारा यही चीज करने की सोचता है। वो सोचता है कि मैं भगवान से शायद अगले दिन दोबारा जाके प्रे करता हूं, और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अगले दिन पूरे क्लीन क्लोथ्स पहनूंगा और नहा धोकर आऊंगा और तब यहां पर आकर प्रेयर करूंगा, मैं शाम तक नमाज करूंगा, क्या पता भगवान फिर सुन ले मेरी और मेरे को 4 रुपए दे दे, शायद हम लोग कोई डील कर ले। तो वो ये सारी चीजें सोचकर अगले दिन फिर दोबारा उसी जगह पर पहुंचता है। अब अगले दिन उसके स्कूल में जब वो एब्सेंट होता है तो उसके घर तक ये खबर पहुंच जाती है। उसके घर पर ये रिपोर्ट मिलती है कि जो मुन्ना है वो स्कूल में एब्सेंट है। अब मुन्ना जब वापस अपने घर पर लौटता है तो जैसे तैसे कर वो बच जाता है इन सारी बातों को करने के बाद भी। लेकिन कुछ समय बाद जब मुन्ना को याद आता है ये इंसिडेंट, तो वो ये सोचता है कि अच्छा ही हुआ कि भगवान ने मेरी मदद नहीं करी, लेकिन भगवान को भी क्या नुकसान हो जाता अगर वो मेरी मदद कर देते। ये सारी चीजें वो सोच रहा होता है और वो रियलाइज करता है कि अगर इतनी आसानी से भगवान इंसान को सब चीजें दे देते तो शायद इंसानों के लिए कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो सिर्फ भगवान से प्रे करते और उन्हें कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाती। वो ये सोचता है कि हमारी लाइफ तो एक बर्ड की तरह हो जाती, जैसे बर्ड उड़कर जो भी चीज़ उन्हें खानी होती है उस तक पहुंचकर उसे खा लेती हैं, ऐसे ही हम ह्यूमन बींग्स भी हो जाते। हम किसी भी चीज़ को करने के लिए ना ही मेहनत करते और ना ही किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मेहनत करते। तो वो ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है और वो ये सोचता है कि इसी वजह से शायद उसकी भगवान ने हेल्प नहीं करी। यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। इस चैप्टर का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन बनाया है मैंने, जिससे स्टूडेंट्स आपको सारे कंसेप्ट और सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। इस चैप्टर को अगर आपने समझ लिया है, समरी देख ली है, तो एक बार अगर आपको टाइम मिले तो आप NCERT ज़रूर रीड करें। और भी ऐसे वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, उन्हें भी ज़रूर देखें।